इंश्योरेंस के नाम पर नागरिकों के साथ ठगी करने वाले गिरोह को मीरा बाइंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच जोन एक के डीसीपी अमिनाश अंगूरे की टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले आरोपियों का भंडाफोड़ कर क्राइम डिटेक्शन टीम ने अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि काशी मीरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आरोपी नामांकित कंपनियों की बीमा पॉलिसियों की आड़ में लोगों से संपर्क कर भारतीय नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। यह बात जब पुलिस कमिश्नर श्री मधुकर पांडे और अपर पुलिस कमिश्नर श्रीकांत पाठक के संज्ञान में आई तो उन्होंने आदेश दिया, जिस पर पुलिस उपायुक्त क्राइम श्री अविनाश अंगूरे तथा सहायक पुलिस कमिश्नर अमोल मांडके के मार्गदर्शन में साइबर ब्रांच ने छापा मारकर उनसे लैपटॉप, मोबाइल, डेबिट कार्ड, चेकबुक, बैंक बुक, आधार कार्ड इत्यादि बरामद किए व ठगी का शिकार बनाने वाले 3 ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में डीसीपी अविनाश अंबूरे ने क्या उनके पास में था वो लैपटॉप हमने जब्त किया है, वो लैपटॉप में वो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टोर की थी। ये इस केस से जुड़े जिन लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया है उन लोगों से क्या आप आह्वान करना चाहेंगे yes. और साथ में ही कि जो लोगों ने यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनाया था रहने का क्या उसका पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ था, वो चीज को देखे आप? देखो, इनका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनका पुराना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और उन्होंने रेंट में रहने के लिए लिया था। ओनर को ऑब्वियसली पता नहीं था कि वो किसके लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल करते थे, और इनके ऊपर कोई भी पुराने क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए नागरिकों से क्या आह्वान करेंगे? नागरिकों से हम लोग यही आह्वान करेंगे कि आप ऑथराइज्ड पर्सन से बात कीजिएगा, अपने खुद के बैंक डिटेल्स, जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, वो बिल्कुल भी शेयर ना कीजिए। दूसरी चीज़, ये काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे वो क्या बहुत बार क्या हो जाता है कि दिखता है आपको नीचे ICICI का या एक्सिस का दिखेगा, HDFC का दिखेगा, लेकिन एक्चुअली जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो ना उनके अकाउंट में जाके वो आरोपियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इस चीज़ों का काफ़ी सारा ध्यान हमें देखना चाहिए। एक प्रवीण मेहता नाम का इसम है जो मीरा रोड में रहते हैं, वो हमारे साइबर क्राइम के विभाग में आए थे। उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि उनके ICICI इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के बहाने 33,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था, ऐसी उन्होंने हमें कंप्लेंट दी। उसके तहत हमारी साइबर क्राइम की टीम PI गुंजकर, APA बावल और उनकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई। इन्वेस्टिगेशन में हमने पता चला कि जो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया था वो एक ATM मशीन से विड्रॉ किया गया था। उसके तहत हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली जाने के बाद में जो ATM मशीन जो उस बिल्डिंग में थी, उस बिल्डिंग का बिल्डिंग नंबर 30 DB जोन जो काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, वहाँ पे हमने मालूमात करने के बाद हमें पता चला कि 3 आरोपी उसी बिल्डिंग में रूम नंबर 1506 में वहाँ पे रहते हैं, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली। उसके तहत हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे छापा डाला और उसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें सलीम अकबर सिद्दीकी है, चांद अहमद है और मोहम्मद आफ्ताब शेख, ऐसे ही 3 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया और उनके पास से करीबन 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, 1 चेकबुक, 3 आधार कार्ड, ऐसे पूरा मुद्देमाल हमने वहाँ से बरामद किया। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन जब उनकी पूछताछ में हमें पता चला कि ये 3 लोग, इनके पास में काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का डेटा इनके पास में था, तो ये उनको फ़ोन करते थे अलग अलग मोबाइल नंबर से और उनको पूछते थे कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू करना है, अपडेट करना है, सरेंडर करना है, इसी बहाने उनके साथ में बातचीत करते थे और उनको उनके अकाउंट का एक स्कैनर उनको भेजते थे, जैसे पेटीएम है, नो ब्रोकर है, FreeCharge, housing.com, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने इस्तेमाल करके वो स्कैनर भेजते थे। वहाँ पे वो कस्टमर स्कैन करके वो पैसा ट्रांसफ़र कराता था और ऐसा करके अभी तक उन्होंने 40 कस्टमर्स को उन्होंने ठगा है।
करीबन 11 लाख का फ्रॉड भी उन्होंने किया है, अभी जो हमने हमारी पूछताछ में पता चला है। और इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है काश्मीरा पुलिस स्टेशन में, 420, 465, 467, 468, 471 IT एक्ट, 66C, 66D भी हमने लगाया है और उसकी जांच चालू है।